तब क्या हाल है आप लोग बताइए। आप लोगों तक आवाज जा रही है हमारी जी? जी तो ये है, आज हम रख रहे हैं, आज ग्राफ के कुछ क्वेश्चन जो है आप लोगों के सामने मैं लिख रहा हूं और उसे सॉल्व करने का आप लोग प्रयास करेंगे। ठीक है, तो क्लियर है ना? आप लोग क्वेश्चन लगाने के लिए तैयार है? चलिए ठीक है, तो आप खुद ही ग्राफ को पहचानिए कौन सा ग्राफ है, और क्वेश्चन इसमें 5 क्वेश्चन जो है जिसे आपको सॉल्व करने होंगे। ठीक है, तो मैं एक ग्राफ यहां पर बना रहा हूं, इसको सोचिए। ये लिख रहा है यहां पे साइड में कि दिए गए ग्राफ में 6 राज्यों में 6 राज्यों में उन गांवों का प्रतिशत जिनका विद्युतीकरण जिनका विद्युतीकरण नहीं हुआ दिया गया है। आप खुद ग्राफ को समझेंगे कि क्या इसमें कह रहा है और प्रश्न का जवाब देंगे। ठीक है, आप लोगों तक आवाज जा रही है अच्छी से? ओके ओके ओके, तो आप वहां पर पढ़िए, देखिए दिए गए ग्राफ में 6 राज्यों में उन गांवों का प्रतिशत जिनका विद्युतीकरण नहीं हुआ है दिया गया है। जैसे यहां पर ग्राफ शो कर रहा है ए, ये जो है आपका यहां तक ये ग्राफ बनाया हुआ है, ये है आपका, यहां है बी, बी जो है 45 तक गया है, ए आपका बी है, सी आपका 15 तक गया है, ठीक है, डी आपका 60 तक गया है, ये डी है, और ई जो है 50 तक गया है, और एफ एफ जो है आपका 30 के सामने तक गया है। मैं ऊपर लिख दे रहा हूं ताकि आपको इजी लगे, 25, 45, ये 15, ये आपका 60, 50, और ये आपका है 30। ये प्रतिशतता है, प्रतिशत को इधर शो किया गया है, और ये आपके राज्य है। ठीक है, तो आप लोग ग्राफ को समझिए कि किस चीज का ये ग्राफ दिया हुआ है। ग्राफ आप लोग समझ गए अच्छी तरह से? जय हिंद जय हिंद जय हिंद भाई। चलिए, अगर ग्राफ समझ गया है तो मेरा पहला क्वेश्चन है आप लोग समझेंगे और हल करेंगे। अगर आप लोग नहीं हल कर पाएंगे तो मैं हल करूंगा, समझाऊंगा। पहला क्वेश्चन है कि राज्य डी की तुलना में, राज्य डी की तुलना में किस राज्य का विद्युतीकरण, किस राज्य का विद्युतीकरण प्रतिशत दुगुना है, प्रतिशत दुगुना है,
देखिए भाई, लाइव क्लास में एक समस्या है कि भाई हर क्वेश्चन को मुझे लिखना पड़ रहा है, तो थोड़ा सा टाइम मैनेज कीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन को साफ सुथरा जूम करके, भाई सब लोग जूम करके देख सकते हैं ऐसे अपने मोबाइल पे, अगर कोई चीज देखने में दिक्कत हो तो जूम करके देख लिया कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि राज्य बी की तुलना में किस राज्य का विद्युतीकरण प्रतिशत दोगुना है, आप लोग जवाब दीजिए। चलिए सुशील कुमार एफ, अभिषेक गुप्ता एफ, यानी कि आप लोगों का जवाब एफ आ रहा है, एफ एफ, बहुत बढ़िया। चलिए चेक कर रहा हूं मैं, जिन लोगों को समझ में ना आया हो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। दिए गए ग्राफ में छह राज्य है, कौन कौन से राज्य है, ए बी सी डी ई एफ, इनमें जो है उन गांवों का प्रतिशत जिनका विद्युतीकरण नहीं हुआ है दिखा रहा है, कह रहा है कि किस राज्य में कितने प्रतिशत लोगों के पास बिजली नहीं है, इसका ब्यौरा इसमें दिखाया गया है। तो थोड़ा ग्राफ को समझिए, ये बताइए डी जो राज्य है, डी राज्य में कितने प्रतिशत लोगों का विद्युतीकरण नहीं हुआ है, आप लोग बताइए डी राज्य में कितने प्रतिशत लोगों का विद्युतीकरण नहीं हुआ है। कोई भी जवाब दे, 60%। देखिए बहुत बढ़िया बात है, आप लोग ग्राफ समझ पा रहे हैं, 60% लोग बिना बिजली का रह रहे हैं, 40% लोग ही बिजली यूज कर रहे हैं। तो अगर ग्राफ आप समझ गए तो कह रहा है कि राज्य डी की तुलना में किस राज्य का विद्युतीकरण प्रतिशत दोगुना है, बताइए राज्य डी में कितने प्रतिशत बिजली का उपयोग हो रहा है, 60% तो यूज नहीं करते हैं, तो बताइए 40% यूज करते होंगे बिजली ना, 40% बिजली यूज करते होंगे, 60% नहीं करते हैं। अब बताइए 40% जब इसमें कर रहे हैं विद्युत का उपयोग, तो हमें पता लगाना है कि किसमें 80% उपयोग करते हैं। तो देखिए तो इसमें जो है एफ में 30% लोग बिजली कर रहे, राज्य डी की तुलना में किस राज्य का विद्युतीकरण प्रतिशत दोगुना है, तो बताइए एफ में तो 30% बिजली जो है नहीं उपयोग करते हैं, तो बताइए उपयोग कितना करते होंगे, 70%। तो बताइए 70 40 का दोगुना है, 70 40 का दोगुना है, आप बताइए। नहीं है सर, ये होगा इसका, सॉरी एक समस्या है इसमें जो है, बुक में गलत लिखा हुआ है, बुक में गलत लिखा हुआ है, ये जो है आपका 20% है, 20 बना लीजिएगा आप लोग, ये गलत दिया हुआ है, बुक में गलत दिया है, मिस्टेक से आप लोगों ने गलत नहीं जवाब दिया है, ये गलत बुक में लिखा हुआ है। तो बताइए 20% लोग इसमें बिजली नहीं उपयोग करते हैं, तो 80% बिजली उपयोग करते हैं, तो बताइए एफ में डी से दोगुना बिजली का उपयोग हो रहा है ना, एकदम करेक्ट जवाब है एफ, यहां मिस्टेक से 30 लिख दिया था बुक में, ठीक है। तो देखिए थोड़ा अपोजिट सोचिएगा, 60% विद्युत नहीं उपयोग करते हैं, तो 40% उपयोग करते हैं, उल्टा समझना है, इसमें 20% उपयोग नहीं करते हैं अर्थात 80% उपयोग करते हैं, तो बताइए इसका ये दोगुना हो रहा है ना, आपका आंसर हो गया एफ। किसी को डाउट है तो बोले। चलिए भाई आप लोग 20 समझ कर हल किए थे, कोई बात नहीं, मिस्टेक हुआ था, सही है। तो आगे बढ़ा जाए अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है राज्य बी में, अगला क्वेश्चन राज्य बी में कितने प्रतिशत गांवों का विद्युतीकरण हुआ है। देखिए आप लोगों को विश्वास नहीं हो रहा होगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं एग्जाम में, बच्चे नहीं कर पाते हैं।
राज्य बी में कितने प्रतिशत गांव का विद्युतीकरण हुआ है? 55%। 55% कैसे देखा जाए? बी में 45% विद्युतीकरण नहीं हुआ है, नो। तो 100 माइनस 45 कर देंगे तो 55% का विद्युतीकरण हुआ है। तो देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन भी बहुत इजी रहा, आपको पहले ही बताया गया है कि ग्राफ का कोई भी क्वेश्चन आप लगाइए, उस 5 क्वेश्चन में आपके 4 क्वेश्चन बहुत ही इजी रहता है और एक क्वेश्चन थोड़ा सा टफ रहता है जो सारे टाइम को मैनेज कर लेता है। इसलिए आप लोग एक क्वेश्चन अगर छोड़ भी रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन टाइम है तो हम उसे भी करेंगे। तो किसी को डाउट अगर हो तो बोले, नहीं तो आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। यस यस यस। थर्ड क्वेश्चन, आपका थर्ड क्वेश्चन है, कितने राज्यों, कितने राज्यों के 60% या इससे अधिक, 60% या इससे अधिक गांवों का विद्युतीकरण विद्युतीकरण हो चुका है? समझिए क्वेश्चन को, कितने राज्यों का 60% या इससे अधिक गांवों का विद्युतीकरण हो चुका है? कुछ लोग 3 बता रहे हैं, कुछ लोग 4 बता रहे हैं। मोनिका गुप्ता 4 बता रही है, हेमा ए सी ई मतलब नंबर बताइए भाई, नाम मत बताइए। शुभम पांडे जी 4 बता रहे हैं, आइए देख लिया जाए। 60% बताइए, ये जो है ये राज्य है जिसका 60% से अधिक विद्युतीकरण हुआ है। 25% जब नहीं उपयोग कर रहा है तो 75% उपयोग कर रहा है, इसका मतलब हमारे काम लायक चीज है। 45% जब ये है तो 55% उपयोग कर रहा है विद्युत का, इसका मतलब ये हमारे काम लायक नहीं है, 60 से कम हो गया। ये 15% बिजली नहीं उपयोग कर रहे हैं तो 85% कर रहे होंगे, यानी ये भी राज्य हमारे काम लायक है, ये सही है, ये सही है। ये 60% जो है उपयोग नहीं कर रहे हैं तो 40% ही बिजली उपयोग कर रहे हैं, ये बेकार है। ये 50% ही बिजली उपयोग कर रहे हैं, ये भी बेकार है। और ये 20% लोग बिजली नहीं उपयोग कर रहे हैं तो 80% बिजली तो उपयोग कर रहे होंगे, ये भी हमारे काम लायक है। शुभम पांडे जी आप 4 बताए थे और यहां देख रहे हैं कि 1 2 3 3 राज्य है, अभी भी 4 लोग, कुछ लोग बोल रहे हैं भाई हमको गिन कर दिखाइए कैसे कौन कौन से राज्य है। हमें तो 3 राज्य दिख रहा है जो 60% से अधिक बिजली का उपयोग कर रहा है। कौन सा? ए 75% उपयोग कर रहा है, बी गड़बड़ है, सी 85% उपयोग कर रहा है और एफ ए सी एफ। तो किसी को अगर डाउट हो तो बोले, नहीं अगर डाउट है तो आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। जी नहीं, जी नो का मतलब नो डाउट, ओके ओके। तो देखिए हम लोगों ने 3 क्वेश्चन इसका बहुत ही आसानी से कर लिए और ये ग्राफ कौन सा है? आपका बार ग्राफ है, पहचान रहे होंगे बार ग्राफ है, बार ग्राफ सबसे इजी ग्राफ होता है। अगला क्वेश्चन एक और इसमें है, क्वेश्चन किस राज्य के अधिकतम गांवों का, किस राज्य के अधिकतम गांवों का विद्युतीकरण, अधिकतम गांवों का विद्युतीकरण हो चुका है? चलिए बहुत शानदार क्वेश्चन है। सी, हेमा बता रही है सी,
बाल मुकुंद जी, यस सर, बोलिए बोलिए, कौन सा किस राज्य के अधिकतम गांवों का विद्युतीकरण हुआ है? बाल मुकुंद जी बताइए। यस यस सी। देखिए अभी हमने देखा कि ए का 75% विद्युतीकरण हुआ है, ये सी का 85% और बी का 80%। सबसे ज्यादा विद्युतीकरण वाला राज्य है सी, सी फॉर कैट। तो क्लियर है सब कुछ? दीपक तिवारी जी, सी सही जवाब है आपका। तो एक क्वेश्चन जो है लास्ट आपको थोड़ा समझना है। देखिए आप लोग बता पा रहे हैं, ये क्वेश्चन कठिन तो होता ही है। एक क्वेश्चन और मैं लिख रहा हूं, थोड़ा लंबा है, देखिएगा। यदि यदि केंद्रीय सरकार विद्युतीकरण यदि केंद्रीय सरकार विद्युतीकरण हेतु कम विद्युतीकरण वाले जिन लोगों को ना दिखे, थोड़ा जूम करके देख लिया कीजिएगा। यदि केंद्रीय सरकार विद्युतीकरण हेतु कम विद्युतीकरण वाले राज्य से आरंभ करके अधिक विद्युतीकरण वाले अधिक विद्युतीकरण वाले राज्य अधिक विद्युतीकरण वाले राज्यों को वित्तीय सहायता दे तो किस राज्य का चौथा स्थान होगा। चलिए शुभम पांडे जी, आप बताइए इस क्वेश्चन को। ए, आपका जवाब ए आ रहा है। दीपक तिवारी जी, आपका जवाब बी आ रहा है। और अनूप शुक्ला जी, आपका जवाब ए आ रहा है। ए ज्यादा लोगों की राय है कि ए है। चलिए मैं इसको अर्थ समझा रहा हूं। जैसे मान लीजिए किसी को हेल्प जब करना होता है हमें, क्या करते हैं? सबसे पहले कमजोर, सबसे पहले गरीब आदमी का हेल्प करते हैं। उसके बाद थोड़ा सा अमीर जो है उसको करते हैं। अंत में जाकर सबसे अमीर का हेल्प किया जाता है। तो बताइए अगर हेल्प करना सरकार शुरू करे तो सबसे पहले किसकी हेल्प करेगा? इस सी गांव की, सी राज्य का सबसे पहले हेल्प करेगा। क्योंकि एक मिनट, क्योंकि इन लोगों का 15% मात्र 15% उपयोग नहीं करते हैं भाई। सॉरी सॉरी, गलत हो गया। ये कितना था? 85%। ये था आपका 75%। तो बताइए सबसे कम विद्युतीकरण किसका हुआ है? ये बताइए, 15% का विद्युतीकरण नहीं हुआ है। इसका मतलब कि 15% लोगों का विद्युतीकरण नहीं हुआ है, 85% का हो चुका है। तो ये गांव तो भाई ठीक ठाक है। यानी सबसे इसमें बैड है किसका? 60% वाला का। 60% का विद्युतीकरण नहीं हुआ है, यानी कि 40% का ही हुआ है। सबसे खराब अगर है कोई राज्य तो ये है डी। तो सबसे पहले हेल्प किसके पास भेजा जाएगा? डी के पास। उसके बाद डी के बाद हेल्प भेजा जाएगा किसके पास? ई के पास। ई के पास के जब हो जाएगा तो इसके बाद हेल्प में आएगा कौन? बी। और बी के बाद हेल्प में कौन आएगा? 25 है, 15 है, 20 है, यानी कि ए। बहुत बढ़िया जवाब ए आपका है। ए सही जवाब है, ए सही जवाब है। चौथे नंबर पर हेल्प आएगा ए का। किसी को डाउट है तो बोले।
भाई 60% लोगों के पास विद्युतीकरण नहीं हुआ है तो सबसे खराब राज्य यही है ना डी। तो सबसे पहले डी को हेल्प दिया जाएगा, नो डाउट। बहुत बढ़िया, चलिए जी आगे बढ़ा जाए। हेमा आप जी लिख रहे हैं, इसका अर्थ ही नहीं समझ में आ रहा है, यस या नो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देख लिए इस तरह से हमने 5 क्वेश्चन लगा लिए और कोई भी समस्या नहीं आई आपको। ग्राफ में 2 दिन से ग्राफ का ये क्लास लिया जा रहा है और हर तरह के आपको चीजें बताया जा चुका है। इसमें कौन कौन से फार्मूले आपको इस्तेमाल करना भी बताया गया है। तो आपने बार ग्राफ के बहुत ही शानदार क्वेश्चन लगाए हैं, बार ग्राफ के क्वेश्चन आप लोगों से नहीं फंसेंगे, ठीक है। अब चलते हैं हम पाई चार्ट की ओर। एक पाई चार्ट का बहुत शानदार क्वेश्चन है, इसको लेकर आए हैं, आपको बता रहे हैं। चलिए देखिए एक पाई चार्ट मैं बना रहा हूं, उसके ऊपर लिखा है किसी नगर की जनसंख्या। ध्यान से समझिएगा, किसी नगर की जनसंख्या। भाई डिजिटल बोर्ड नहीं है, थोड़ा सा टाइम अधिक हम लोगों को लगेगा, ठीक है। किसी नगर की जनसंख्या 36,000 है, उनके विभिन्न व्यवसायी, उनके विभिन्न उनके विभिन्न व्यवसायी निम्नांकित निम्नांकित पाई चार्ट में प्रदर्शित किया गया है, प्रदर्शित किया गया है, बस इतना लिखा हुआ है। उसके बाद से एक पाई चार्ट यहां पर बना डाला है इस तरह से। ये जो है आपका ऐसे है 72 डिग्री, ये है आपका 36 डिग्री, 36 डिग्री, ये है आपका 108 डिग्री, 108, और ये है आपका 24 डिग्री, 24 डिग्री, और ये है आपका 120 डिग्री। ये आपका दिखा रहा है नौकरी पे, नौकरी वाले लोगों को, ये दिखा रहा है परिवहन वाले लोगों को, परिवहन यातायात, ये कृषि वाले लोग हैं, ये व्यापार करने वाले लोग हैं व्यापार, और ये जो है आपका उद्योगपति लोग हैं, उद्योग करने वाले लोग हैं। तो कोई आप लोगों को दिख रहा है, थोड़ा यस बोलिए, दिख रहा है आप लोगों को? ओके ओके ओके, बहुत बढ़िया। तो आप लोग, हमें आशा है कि अगर जिस तरह से मैंने क्लास लिया हूं पिछले वीडियो में, वीडियो उसमें आपको समझाया गया था कि पाई चार्ट कैसे तैयार किया जाता है। तो किसी ने, किसी नगर की जनसंख्या 36,000 है, हर व्यक्ति कुछ ना कुछ करता है और उस चीज को पाई चार्ट के माध्यम से दिखा दिया गया है। तो केवल पाई चार्ट देखकर हमको कोई एक आदमी बताए कि केवल पाई चार्ट देखकर कि उस नगर के ज्यादा लोग कौन सी धंधा करते हैं। लाइट की वजह से नहीं दिख रहा है, अब दिख रहा है, अब दिख रहा होगा। हाँ सर, अब फ्रेश दिख रहा है। चलिए, सबसे ज्यादा अगर लोग भिड़े हुए हैं किसी कार्य में तो वो है नौकरी, यानी ज्यादा लोग सर्विस कर रहे हैं। आप लोगों को समझ में आ गया, देखिए ग्राफ का कितना बढ़िया फायदा है कि हम उस नगर के बारे में बहुत सी जानकारी ये देख कर बता सकते हैं। बताइए सबसे कम लोग किस धंधे में लगे हुए हैं, सबसे कम लोग किस धंधे में लगे हुए हैं? परिवहन, प्रगति सिंह, हेमा, परिवहन। चलिए भाई परिवहन में सबसे कम लोग लगे हुए हैं, वो भी कितना, मात्र जो है
24 डिग्री, 24 डिग्री, अच्छी बात है। थोड़ा सा जूम करके आप लोग ऐसे देख सकते हैं, आपको अगर देखने में प्रॉब्लम है अपनी मोबाइल में जूम करके देख लिया कीजिए, ठीक है। चलिए तो ये बताइए, परिवहन, कृषि, व्यापार, उद्योग और नौकरी, ये जो है पांच जो है पेशे हैं, और पूरे नगर की जनसंख्या 36,000 इसमें लगी हुई है। तो हमें आशा है कि आप ग्राफ समझ गए होंगे। अब आपको इसमें से क्वेश्चन के आंसर ढूंढना है, तैयार हैं आप लोग? जी जी, चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है, एक नंबर क्वेश्चन, यदि कृषि की अपेक्षा, कृषि की अपेक्षा नौकरी में, नौकरी में कितने अधिक व्यक्ति, कितने अधिक व्यक्ति लगे हैं, चलिए बताइए। कह रहा है कि कृषि की अपेक्षा नौकरी में कितने अधिक व्यक्ति लगे हुए हैं। कुछ लोगों का जवाब अनूप श्रीवास्तव जी 12 बता रहे हैं, मिथिलेश यादव 1200 बता रहे हैं, राजेश जी 1200 बता रहे हैं, बालमुकुंद 1200, शुभम पांडे जी आप बताइए, एक बार आप बताइए आपसे। बारह हजार भी कोई बता रहे हैं, लक्ष्मण प्रसाद 1200। आइए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान से सीखिएगा। कृषि और नौकरी, कृषि में 108 है और नौकरी में 120 है, तो बताइए एक नौकरी वाला कृषि से, एक मिनट, कृषि की अपेक्षा नौकरी में कितने अधिक है ना, नौकरी में 120 डिग्री है और कृषि में 108 डिग्री है, तो बताओ ये नौकरी कृषि से कितना डिग्री अधिक है? 12 डिग्री। और 12 डिग्री को हमको किसमें बदलना है? नंबर ऑफ पर्सन यानी जनसंख्या में बदलना है। तो कल आप लोगों को बदलना सिखाए थे कि जिसको मान निकालना है ऊपर बटा में 360 गुणे वैल्यू, वैल्यू कितना है 36,000। आप देख सकते हैं ये कट जाएगा 12 3 36, जीरो से जीरो कटेगा, ये आपका आ रहा है 1200। 1200 करेक्ट जवाब है, 9000 भाई कोई बोल रहा है 9000 गलत जवाब है। तो अगर किसी को डाउट हो तो कमेंट लिखे कि भाई डाउट है, नहीं तो अगर समझ में आया है तो आगे बढ़ते नहीं। ओके चलिए आगे बढ़ा जाए, समझ में सबको आ चुका है। इसी क्वेश्चन को कुछ लोग ऐसे करते हैं कि पहले नौकरी वाले आदमी को निकालेंगे, 120 बटा 360 गुणे 36,000, फिर एक बार कृषि वाले को निकालेंगे 108 बटा 360 गुणे 36,000, और फिर घटा उठा के बताते हैं आंसर। तो ऐसा नहीं करना है आपको, डायरेक्ट दोनों का डिफरेंस बटा 360 गुणे 36,000 करने से आंसर आ जाएगा, ठीक है। ठीक है ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कितना बढ़िया। पहला क्वेश्चन का जवाब आप लोग दिए हैं, कहते हैं कि पाई चार्ट, ये चार्ट बहुत हमें टफ लगता है, हमें तो नहीं लग रहा है कि टफ रहता है। अब कैलकुलेशन तो कोई भी फंस सकता है, कैलकुलेशन में टाइम लग सकता है, तो जैसा एग्जाम देंगे उस तरह के कैलकुलेशन आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत, कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत
परिवहन व्यवसाय, परिवहन व्यवसाय में है। चलिए कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत परिवहन व्यवसाय में है? तो जयप्रकाश चौरसिया जी 1500 बता रहे हैं और ये राकेश पांडे जी ठीक है बता रहे हैं। भाई आंसर दीजिए। एक मिनट, कुछ लोग 2400 बता रहे हैं। ये बताइए कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत परिवहन व्यवसाय में है पूछ रहा है। तो प्रतिशत पूछ रहा है तो ये 2400 2600 क्या बोल रहे हैं भाई आप लोग? विवेक पांडे जी 20/3% बता रहे हैं। 20/3% का मतलब होता है 6 सही 2/3%। तो पहली बात की आप लोग परसेंटेज में बोलना चाहिए, नंबर बता रहे हैं 2400 1500। 20/3% मैं चेक कर रहा हूं। आइए देखिए कुल जनसंख्या का, तो बताओ कुल जनसंख्या तो नीचे रहेगा है ना, या ऐसे भी आपको सिखाए थे कि परसेंटेज निकालने का तरीका है परिवहन ऊपर क्या जी, अब बटा में 360, और जब परसेंटेज बताना होता है तो गुणे 100। आपको 36,000 से कोई मतलब ही नहीं है। कैलकुलेशन 12 दूनी 24 12 तिहाई 36, 0 से 0 कट गया। 20/3 6 सही 2/3%। अगर डाउट है तो आप लोग लिखे कि डाउट, अगर नहीं डाउट है तो यस बोलिए आगे बढ़ा जाए। ठीक है ठीक है, आप लोगों को परसेंटेज निकालने का मैंने फॉर्मूला बताया था कि जिस चीज का परसेंटेज बताना हो उसको ऊपर लिखिए, बटे में 360 लिखिए और गुणे 100 कर दीजिए, परसेंटेज निकल जाएगा। ठीक है, चलिए दो क्वेश्चन का जवाब आप लोग दिए हैं, लेकिन कुछ लोग बहुत गड़बड़ दिए 2400 बोल करके 1500 बोल करके। ये आप लोग नंबर बता रहे, परसेंटेज पूछा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, आपका 3 नंबर क्वेश्चन है इसमें कि नौकरी तथा परिवहन में लगे, नौकरी तथा परिवहन में लगे व्यक्तियों की संख्या, लगे व्यक्तियों व्यक्तियों की संख्या का योग निम्न व्यवसायों में से, निम्न व्यवसायों में से किसके योग के बराबर है, किसके योग के बराबर है? देखिए एक चीज और आप लोगों को जानकारी मैं दे रहा हूं, ये ग्राफ के क्वेश्चन लगाने का मेन मकसद है उसका अर्थ समझना कि वो हिंदी में जो बोल रहा है वो आप समझ पा रहे हैं कि नहीं। अगर उसका अर्थ समझेंगे तो आप बताएंगे। तो कुछ लोग 36 बोल रहे हैं, ये बहुत गलत है भाई। आपसे पैसा बोला जा रहा है कि कौन कौन से पेशा उसके उसके व्यक्तियों के बराबर है, तो इस बहुत ही आसान काम है, विकल्प का मदद ले सकते हैं। निम्न का मतलब क्या होता है कि विकल्प का सहारा लीजिए, विकल्प मैं लिख रहा हूं, कृषि तथा परिवहन ए विकल्प है, बी विकल्प है व्यापार तथा उद्योग, सी विकल्प है कृषि तथा व्यापार, ठीक है, और डी विकल्प है आपका
उद्योग उद्योग तथा कृषि। अब आप लोग केवल ऑप्शन बोल दीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। सी सी ऑप्शन ए। बहुत कंफ्यूज कर रहे हैं आप लोग। सी ए सी ए में कंफ्यूजन है। आइए मैं बता रहा हूं। नौकरी और परिवहन को देखिए तो 120 डिग्री प्लस 24 डिग्री 144 डिग्री इन लोगों का हो रहा है यो। अब हम देखेंगे विकल्प से। कृषि परिवहन को जोड़िए तो 108 और 24 कितना होता है। 108 108 और प्लस 24 8 4 12 3 1। ए आंसर गलत हो गया। जो लोग ए बोले हैं उनका गलत हो गया। व्यापार तथा उद्योग को देखा जाए तो व्यापार 36 और उद्योग 72। इसको जोड़ेंगे तो 6 2 8 7 3 10। ये भी बेकार हो गया। 144 नहीं आ रहा है। कृषि तथा व्यापार 108 प्लस 72 180 डिग्री। ये भी बेकार हो गया। उद्योग तथा कृषि 72 प्लस 108 8 2 10 आपका 7 1 8 और ये वो भी हो गया 180। हमें तो लग रहा है कि इसमें से कोई विकल्प सही नहीं है। एक विकल्प इसमें नौकरी और परिवहन में लगे व्यक्तियों की संख्या का योग निम्न व्यवसायों में से किसके योग के बराबर है। ठीक है। इसमें आंसर दिया हुआ है व्यापार और कृषि। थोड़ा व्यापार और कृषि को जोड़िए तो कहीं है इसमें व्यापार और कृषि। देखिए जब हल किया है तो इसमें बुक में उसमें लिख लिया है व्यापार और कृषि। कहीं व्यापार और कृषि इसमें लिखा हुआ है। व्यापार और कृषि सी विकल्प यहां पर है। ठीक है। हाँ थोड़ा इसको जोड़िए तो कृषि का आपका 108 है और व्यापार का जो है आपका 36 है। आठ सौ 14 और 144 सॉरी 144 मिल गया है। आपका कृषि तथा व्यापार 144 हो रहा है और यहाँ पर नौकरी तथा परिवहन भी 144 हुआ था। इसलिए सी विकल्प सही जवाब है। कोई दिक्कत किसी को। सी विकल्प सही जवाब है। जोड़ने में मिस्टेक हुआ था। ठीक है। ओके ओके ओके। चलिए एक क्वेश्चन और है इसमें देखिए। तो आप लोग जो है कुछ लोग क्या किए होंगे सबको निकाल रहे होंगे कि किसका कितना वैल्यू है। निकाला नहीं जाता है। केवल डिग्री जोड़ लेने से जितना होगा उतना ही उसका वैल्यू भी निकालने पर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 4 नंबर। नौकरी तथा उद्योग में नौकरी तथा उद्योग में लगे व्यक्तियों का अनुपात क्या है। चलिए नौकरी तथा उद्योग में जितने लोग लगे हैं उनका रेशियो क्या है। अनुपात का क्वेश्चन एक आ गया। थ्री रेशियो फाइव फाइव रेशियो थ्री। शुभम पांडे जी आपका 5:3 बोले हैं और कुछ लोग 3:5 बोले हैं। दोनों में बहुत डिफरेंस है। आइए देखा जाए। नौकरी में 120 डिग्री रेशियो उद्योग में 72 डिग्री कटाते हैं। 24 5 24 3 बहुत बढ़िया। 5 संबंधे 3 सही जवाब है। 5 5 संबंधे 3 यानी 5:3 5:3 सही है। तो इसमें कोई डाउट अगर है तो बोलिए नहीं तो आगे बढ़ा जाए। ठीक है।
नो डाउट, चलिए अच्छी बात है, आप लोग दोनों ही ग्राफ बहुत शानदार लगाए हैं, हम ही से मिस्टेक हुआ एक जगह जोड़ने में, लेकिन आप लोग सही किए थे, ठीक है। अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन जो है आप लोगों को, वक्र तोरण का एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग रेडी हैं तो बोलिए। ओके जी, चलिए तो आपने बार ग्राफ का क्वेश्चन लगा लिया, ये पाई चार्ट का भी क्वेश्चन लगाया है, आज एक वक्र तोरण का क्वेश्चन दे रहा हूं, अगर उसको लगा लेते हैं तो समझिए ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा बार ग्राफ बनाने में बारीकियां हैं, ध्यान से देखिएगा आप लोग। लिखा है कि दो कंपनियों, ये हेडिंग लिखा है दो कंपनियों, दो कंपनियों पी तथा क्यू के कुछ वर्षों के आयात, कुछ वर्षों के आयात तथा निर्यात, आयात तथा निर्यात का अनुपात दिया गया है। इसमें मैं हेल्प नहीं करूंगा, आप लोग बताएंगे पांचों क्वेश्चन को, उसके बाद ही मैं समझाऊंगा। तो नीचे एक ग्राफ में दो कंपनियों पी क्यू के कुछ वर्षों में आयात और निर्यात का अनुपात दिखाया गया है, ग्राफ को ध्यान से पढ़ना है और दिए गए प्रश्नों के जवाब देना है। तो एक ग्राफ मैं बना रहा हूं यहां पर, यह है आपका 0.00 यानी 0.0 0.20 दिख रहा है आप लोगों को, दिख रहा है तो यस लिखे कोई जी, 0.40 0.60 0.80 0.10 1.20 1.40 1.60 देखिएगा, बहुत जो है अच्छा क्वेश्चन है ये। उसके बाद से यहां पर लिखा है 1987 1988 1989 1990 और एक चीज है इसमें 1991 1991 1992 थोड़ा सा उधर दिख नहीं रहा होगा, मैं मोबाइल को उधर कर रहा हूं, अब दिख रहा होगा आप लोगों को, दिख रहा है? ओके ओके। अब देखिए इसके सामने जो है ये ग्राफ कैसे तैयार कर रहा है, आपको मालूम है वक्र तोरण में इसे डैश 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 लगाया जाता है ताकि आपको देखने में सुविधा हो, ये बना दिया गया है ताकि आपको लग जाए कि किसके सामने जो है कौन चीज बनाया गया है, ये आपको एक तरह से हेल्प किया जाता है और बहुत ही फायदा है इससे, अगर ये नहीं करता तो देखने में दिक्कत आती है हम लोगों को। यहां पर लिखा है डॉट बनाया है 0.8 के सामने, देखिएगा ये डॉट है, उसके बाद से 120 के सामने यहां पर डॉट है, 1989 में एक के सामने डॉट है यहां पे, उसके बाद 1990 में जो है आपको
1.4 के सामने यहाँ डॉट है और 1991 में 1.30, 1.30 का मतलब ये बीच में यहीं पर छोड़ दिया है और उसके बाद से आपको एक पॉइंट पर रखा है, एक आने की यहां पर रखा हुआ है। आप लोग ये डैट समझ सकते हैं कहां कहां पर आया है, इसको मैं मिला रहा हूं ऐसे 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 और ऐसे। ये ग्राफ आपको समझ में आ रहा है? यस, अब आपको दिख रहा होगा। चलिए अब इसमें जो है एक और जानते हैं आप लोग कि दो चीज एक साथ चलता है इसमें, जब भी वक्र तोड़ने का क्वेश्चन आएगा दो ग्राफ एक साथ चलता है। एक स्टार का ग्राफ चल रहा है, देखिए यहां पर एक के सामने स्टार बनाया हुआ है, इसमें जो है आपको डेढ़ के सामने बनाया हुआ है, यहां पर 1.1 बीच में देखिए एक है 1.20 है, बीच में क्या कहेंगे 1.10, समझिएगा आप लोग। उसके बाद से आपका 1.2 के सामने है, यहां पर स्टार है। उसके बाद से फिर जो है 1.1 के सामने स्टार है, 1.1 का मतलब यहां पर बीच में फिर कर दिया है। उसके बाद से सीधे लेकर गया है इसको 1.5 पर, ये बीच में लेकर आ गया है, यहाँ पे 1.5 पे स्टार ले गया है और उसके बाद सीधे नीचे लेकर भागा है इसको एक पर, यानी कि इसके सामने, इसके सामने का मतलब इसी पर स्टार भी लगा दिया है। तो स्टार को मैं मिला रहा हूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, स्टार मिल गया, यहां से यहां चला गया, यहां से ऐसे चला गया, इसके बाद यहां से सीधे ऊपर भागा है और यहां से नीचे भागा है। ग्राफ आप लोग अच्छी तरह से देख पा रहे हैं? ओके ओके ओके। अगर बताइए मैं 0.6 और 0.8 के बीच में पूछूं तो क्या बताएंगे आप लोग, 0.60 0.80 के बीच में क्या समझेंगे? अगर यहां पर पॉइंट है तो इसको क्या समझेंगे बीच में? 0.70, बहुत बढ़िया 0.70। अब यहां पर देखिए स्टार का अर्थ दे रहा है, कह रहा है कि जो ये डॉट देख रहे हैं, समझ में आ रहा है, ये डॉट बता रहा है पी को, यानी ये पी की मटेरियल को बता रहा है, और जो स्टार देख रहे हैं स्टार, ये जो है क्यू की बारे में बात बता रहा है। बस इतना ही दिया हुआ है और आपसे क्वेश्चन इससे 5 से पूछे जाने वाले हैं। तो क्या आप लोग ग्राफ समझ पा रहे हैं कैसे क्या दिया है? मैं बता रहा हूं, थोड़ा सा हेल्प कर दे रहा हूं आप लोगों को। सन 1989 में देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, सन 1989 में ब्लैक स्पॉट को देखिए पी, सन 1989 में पी के आयात और निर्यात, आयात और निर्यात का रेशियो 1.00 था, यानी 1:1, यानी जितने का आयात किया था उतना ही का निर्यात किया था। ओके, तो इतना बहुत काफी है हेल्प करना। अब जो है प्रश्नों के जवाब आप लोग देंगे, देखता हूं कितना आप लोग सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन नोट कर रहा हूं, ध्यान लीजिएगा, देखिए यहां से पहला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, यदि कंपनी क्यू का 1989 में कुल निर्यात
24 करोड़ रुपए का हो तो इस कंपनी का इन 2 वर्षों में कुल आयात कितना था, इन 2 वर्षों में यदि कंपनी क्यू का 1989 तथा 1900, यहां पर मिस्टेक हो गया है, 1989 तथा 1900 दो वर्ष दिया हुआ है, 1989 तथा 1900 में कुल निर्यात 24 करोड़ रुपए का हो तो इन कंपनी का इन 2 वर्षों में कुल आयात कितना था, कुल आयात कितना था। चलिए इसका कोई जवाब दे दे, सवाल क्वेश्चन दिख पा रहा है आप लोगों को ठीक से, यस कोई लिखे अगर ठीक से दिख रहा है क्वेश्चन तो यस। चलिए एक बार मैं पढ़ रहा हूं, यदि कंपनी क्यू का 1989 और 1990 में 1989 और 1990 में 1900 में कुल निर्यात 24 करोड़ रुपए का हुआ तो इन कंपनी का इन 2 वर्षों में कुल आयात कितना रुपए का हुआ है, 1900 इसमें नहीं है, एक मिनट 1990 है भाई बोल रहे हैं 1990 लिख दिया है, 1990 है, 1990 अगर कोई व्यक्ति जवाब दे सकता है तो दे। अट्ठाईस दशमलव आठ करोड़, 2.6 करोड़, बहुत अलग अलग आंसर आ रहा है, कुछ लोग 28.8 करोड़ बता रहे हैं, 2.6 करोड़ कुछ लोग बता रहे हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं थोड़ा सा, देखिए क्योंकि बहुत लोगों को प्रॉब्लम इसमें हो रही है। चलिए कोई बताए सॉल्व किया जाए, सॉल्व करें इस क्वेश्चन को। 25.2 करोड़ बाल मुकुंद राय जी आप बोल रहे हैं, 25.2 करोड़। चलिए यस हल कर रहा हूं मैं, ध्यान से सीखिएगा। देखिए 1989 में क्यू मतलब स्टार, स्टार को देखिए 1989 में स्टार का मतलब आयात और निर्यात का रेशियो जो है 1.2 है, इसका मतलब लिखेंगे आयात का मतलब इंपोर्ट और निर्यात का मतलब एक्सपोर्ट, दोनों का रेशियो हो गया 1.2। ठीक है, तो यहां से हम देख रहे हैं कि आई का मान हो जाएगा 1.2 ई, समझ पा रहे हैं आप लोग, यस। आई का मतलब यानी कि 1989 में इंपोर्ट यानी आयात का वैल्यू हो गया 1.2 ई, 1.2 ई का मतलब 1.2 गुणे एक्सपोर्ट। इसी तरह से हम फिर जो है 1990 में चलते हैं, 1990 में इंपोर्ट अपॉन एक्सपोर्ट कितना है, 1.1, तो इंपोर्ट बराबर कितना हो जाएगा 1.1 into E। अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो 1 कर दे रहा हूं, ये 2 कर दे रहा हूं, तो आपका हो जाएगा I1 plus I2 = 1.2 plus 1.1 E। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को, अगर समझ में आया यहां तक तो बोलिए यस, आगे बोले।
यस, तो ये बताइए ये जोड़ने पर हो जाएगा एक एक दो, दो दशमलव तीन, दो दशमलव तीन ई, ठीक है ना। या इस तरह भी लिख सकते हैं, यहां पर देखिए दो दशमलव तीन ई जो लिख रहे हैं, यहां पर मिस्टेक हो रहा है हमसे कि वन वन इसमें लिखिए तो इसमें टू टू लिखिए तब सही रहेगा ना, टू टू लिखिए तो ये हो जाएगा आपका एक दशमलव दो ई वन प्लस एक दशमलव एक ई टू, ठीक है। तो पूछा था कि दोनों में कितना जो है क्या हुआ था, आयात यानी इंपोर्ट कितना हुआ है, तो दोनों इंपोर्ट एक जगह मालूम हो गया ना, आई वन प्लस आई टू। तो अब हमें इसको अब वैल्यू बताना है, तो दोनों साल मिलकर 24 करोड़ का जो है क्या हुआ है, 24 करोड़ रुपए का निर्यात हुआ है। तो देखिए इन दोनों को जब तक E1 E2 एक जगह जुटेगा नहीं, ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न में जो है बीच में रखा है या ये ऊपर रखा है, क्लियर नहीं हो पा रहा है। हम अपने से ये अंदाज लगा कर ही बनाए थे, हो सकता है कि यहाँ पर हो तो एक दशमलव दो, यदि एक दशमलव दो हो जाएगा तो कॉमन मिल जाएगा एक दशमलव दो, तो हो जाएगा E1 प्लस E2 और एक दशमलव दो गुणे E1 प्लस E2 का वैल्यू दिया है 24 करोड़, गुणा करेंगे तो बच्चों का 48, 12 दूनी 24, 4, 28, 28.8 करोड़, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मिस्टेक किया है, जो नीचे ग्राफ बनाया है ये यहाँ पर है, तभी ये कॉमन मिलेगा, तो E1 प्लस E2 एक जगह हम रख पाएंगे, नहीं तो नहीं रख पाएंगे। तो आप लोगों का कोई दोष नहीं है, इसमें बनाया है बुक में बहुत बारीक फिगर, हमने नीचे समझकर बीच में लिख दिया था। आया है समझ में आप लोगों को, एक बार फिर से ओके। जानते हैं प्रॉब्लम ये है ना, इसमें जगह नहीं है, थोड़ा सा इसको मिटाने दीजिए। अब समझा रहा हूं बढ़िया से, इसको देखिए। ये बताइए सन सन 1989 में स्टार का मतलब हुआ कि क्यू, क्यू था ना, स्टार किसको दिखा रहा था, क्यू को, और डॉट दिखा रहा था पी को। तो बताइए कंपनी का क्यू, कंपनी क्यू का 1989 में जो आयात निर्यात का रेशियो है क्या है, 1.2। तो हम लिखेंगे कि आयात यानी इंपोर्ट अपान एक्सपोर्ट, यानी कंपनी क्यू का आयात और निर्यात का रेशियो हो गया 1.2। बताइए इसमें कोई दिक्कत है किसी को, नहीं। तो अब बताइए यहां से दैट इंप्लाइज मैं आई वन का मान पूछूं तो आप लोग क्या बताएंगे, 1.2 ई वन, यानी कि कंपनी क्यू का 1989 में जो आयात है 1.2 गुणे एक्सपोर्ट के बराबर है, जितना एक्सपोर्ट किया है उसका 1.2 गुना, ठीक है। इसी तरह हम 1990 में देखेंगे, तो इसको मैं मिटा कर यहाँ कर रहा हूं क्योंकि गलती से यहाँ पर बन गया था मुझसे, यहाँ पर है ये। तो बताइए यहाँ पर भी रेशियो क्या है, आई टू यानी कि 1990 की अब बात हो रहा है आयात का, बटा ई टू बराबर 1.2। तो यहां से दैट इंप्लाइज आई टू का मान हो जाएगा 1.2 इंटू ई टू, सही है। अब आपसे मैं पूछूं कि ई वन क्या है, कोई बताएगा ई वन क्या है, 1989 में निर्यात, ई टू क्या है 1990 में निर्यात, दोनों में का निर्यात है। तो अगर मैं दोनों इक्वेशन को जोड़ दूं तो हो जाएगा आई वन प्लस आई टू बराबर 1.2 प्लस 1.2 कॉमन ले लेंगे तो ई वन प्लस ई टू, यहां तक ठीक है, समझ में आ रहा आप लोगों को जी। तो जब ई वन प्लस ई टू आ गया तो बताओ ई वन क्या था, 1989 का एक्सपोर्ट निर्यात, ई टू क्या था 1990 का निर्यात। और दोनों निर्यात देखिए यहाँ दिया है 1989 1990 का कुल निर्यात कितना है, 24 करोड़, एक के में दे दिया है, अलग अलग नहीं मालूम है,
इसलिए यहाँ पर 24 हम रख देंगे, तो 12 चौक 48, 12 दो 24 4 28, 28.8 करोड़। अब समझ में आया है? अगर ये दोनों कॉमन नहीं मिलता, बराबर नहीं रहता दोनों में, तो ये सवाल नहीं हो पाता, इसका कोई सलूशन नहीं हो पाता। ठीक है, थोड़ा सा इसका मैं सलूशन भी देख वो बनाया हूं, मैं देख ले रहा हूं। ठीक है, एकदम करेक्ट, ये भी लिखा है 1.2 1.2, साफ किया है क्वेश्चन को, 1.2 यानी कि स्टार को ऊपर ही बनाया है। ठीक है, अब बुक की है वही प्रॉब्लम है, बुक में ऐसा किया है, मिस्टेक हो गया। ठीक है, यानी कि जो भी बीच में देख रहा है ना, ऊपर ही है, गड़बड़ कर दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बोला जाए जी। चलिए देखिए, तो ये क्वेश्चन जो है आप लोगों का आसान था, बस मान कर लिखने में दिक्कत आ गया कि कैसे माना है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, दिख रहा है आप लोगों को, 2 नंबर क्वेश्चन, देखिए कह रहा है कि दिए गए वर्षों में से, दिए गए वर्षों में से, दिए गए वर्षों में से कितने वर्षों में, कितने वर्षों में कंपनी क्यू का आयात, कंपनी क्यू का आयात निर्यात से अधिक रहा, निर्यात से अधिक रहा। बहुत बढ़िया सवाल है, कह रहा है कि दिए गए वर्षों में से कितने वर्षों में कंपनी क्यू का आयात निर्यात से अधिक रहा। तो बताइए, आयात माने इंपोर्ट और निर्यात माने एक्सपोर्ट, ये बताइए, अगर आयात निर्यात से अधिक है तो इसका वैल्यू 1 से अधिक होना चाहिए कि नहीं, 1 से अधिक होना चाहिए ना। तो देखिए कि किसका किसका जो है रेशियो जो है 1 से अधिक है, वो भी क्यू में, क्यू कौन है, स्टार, क्यू कौन है, स्टार। तो बताओ ये तो 1 है, यानी कि ये वाला सन बेकार हमारा हो गया, ये वाला सन बेकार हो गया, क्योंकि 1 से अधिक निर्यात से अधिक चाहिए, इसमें बराबर हो चुका है। ठीक है ना, यहाँ आइए, इसका देखिए ऊपर हो चुका है, यानी 1 सन मिल गया 1988, इसमें भी 1 से ऊपर हो चुका है, 1 सन ये भी मिल गया 2, इसमें भी ऊपर है 3, इसमें भी ऊपर है 4, इसमें 1 पर रुक गया है भाई 4। 4 वर्ष ऐसे हैं जिनमें आयात निर्यात से अधिक हुआ है, ऐसा मानते हैं हम लोग। जैसे एग्जांपल समझा रहा हूं, मान लो कि आयात हो गया 500 रुपए का और निर्यात हो गया 200 रुपए का, तो बताओ रेशियो निकालोगे तो क्या आएगा, 2.5, 1 से अधिक आया कि नहीं। तो जब रेशियो 1 से अधिक हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि ऊपर वाला चीज नीचे वाला चीज से अधिक है, फाइनल है। तो आप देखिए क्यू जो है इसमें 1 रह गया, इसलिए इसमें आयात निर्यात बराबर हो गया, इसमें अधिक हो गया 1 से, यानी कि इसमें आयात निर्यात से अधिक है, 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 इसमें फिर 1 हो गया है। तो आपका 4 साल ऐसा देखने को मिल रहा है। अगर समझ में आया हो तो यस लिखिए, आगे बढ़ते यस। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन इसमें है कि यदि 1990 में, यदि 1990 में कंपनी पी का निर्यात, कंपनी पी का निर्यात
कंपनी पी का निर्यात 60 करोड़ रुपया हो, 60 करोड़ रुपया हो, तो इस वर्ष में, तो इस वर्ष में कंपनी का आयात कितना है? चलिए ये बताइए पहले, ये हमको कोई एक आदमी बता दीजिए, बाद में कोई आप बताइए, पी कंपनी किससे दिखाया गया है? डॉट से कि स्टार से? पी कंपनी किससे दिखाया गया है? डॉट से, बहुत बढ़िया डॉट। तो आप बताइए कि 1990 में कंपनी पी का निर्यात अगर 60 करोड़ है तो आयात कितने करोड़ का है? 84 करोड़। रत्ना सिंह बता रही है 84 करोड़, प्रगति सिंह 84 करोड़, अनूप श्रीवास्तव 84 करोड़, जयप्रकाश चौरसिया 84 करोड़। भाई सबका 84 करोड़ आ रहा है तो थोड़ा हमें भी देखना पड़ेगा। आइए देख ले, 1990 में डाट रेशियो क्या चल रहा है? 1.4, तो लिखेंगे आयात बटा निर्यात बराबर 1.4। आयात चूंकि पूछ रहा है छोड़ दिया जाए, और निर्यात चूंकि दिया हुआ है 60, 1.4 आयात बराबर 14.84, 84 करोड़ रुपया एकदम करेक्ट आंसर है। अच्छा है, देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, आप लोगों ने ग्राफ को समझ लिया है इसलिए बता पा रहे हैं। तो आगे क्वेश्चन बढ़ाएं, अगला क्वेश्चन चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का कि दिए गए वर्षों में कंपनी क्यू का औसत निर्यात कितना था? बस कोई भी जवाब दे दे। दिए गए वर्षों में कंपनी क्यू का औसत निर्यात कितना था, यानी कि हर साल लगभग कितना करोड़ का निर्यात कर रहा है? क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को? एक बार और पढ़ रहा हूं क्वेश्चन। दिए गए वर्षों में कंपनी क्यू का औसत निर्यात किया कितना था, यानी कि हर साल कितने रुपए का निर्यात कर रहा है, कितने करोड़ का? 11.6 करोड़ एक आदमी बता रहे हैं। अगर 900 नहीं समझ में आ रहा है तो नो लिखें, क्योंकि 11.6 गलत जवाब है। नो। चलिए समझा रहे हैं, आइए, ये सवाल नहीं समझ पाए आप लोग, एक बात सुनिएगा ध्यान से। मैंने आयात किया 500 रुपए का, निर्यात किया 1000 रुपए का, तो बताओ इसका रेशियो क्या हो जाएगा? 1:2। फिर सुनिएगा, मैंने आयात किया 2000 रुपए का और निर्यात किया 4000 रुपए का, रेशियो बताओ 1:2। तो ये बताइए,
रेशियो देखकर कैसे पता लगेगा कि मैंने कितने का निर्यात किया था, कभी 500 तो कभी 2000, ये बताइए रेशियो से कभी वैल्यू पता चलता है? संदीप यादव जी, रेशियो से, यहां भी रेशियो एक संबंध दो आ गया, यहां भी रेशियो एक संबंध दो आ गया, तो बताइए मैंने तो यहाँ आयात 500 का किया हूं, यहाँ 2000 का। इससे सिद्ध होता है कि रेशियो से कभी वैल्यू नहीं ज्ञात किया जा सकता। इसलिए इस सवाल का जवाब होगा कि आंकड़ा पर्याप्त है, हम नहीं बता सकते कितने करोड़ का आयात हुआ, क्योंकि कोई भी वैल्यू इस सवाल में नहीं दिया है कितना करोड़ कितना रुपया। इसलिए इसका जवाब होगा कि आंकड़ा अपर्याप्त है, हम नहीं बता सकते कितने करोड़ का निर्यात चाहे आयात हुआ है। नहीं साल होगा, बहुत बढ़िया प्रभात पांडे जी, नहीं साल होगा। तो देखिए इस सवाल में आप लोग फंस गए, नहीं बता पाए, ये सवाल आंकड़ा अधूरा था, अपर्याप्त नहीं जवाब देंगे। केवल रेशियो से कैसे पता चलेगा कि कितने करोड़ का निर्यात हुआ आयात हुआ, वही दे देता कि इस सन में इतने का आयात हुआ तो हम लोग समझ लेते, एक के सहारे सबको हम पता कर लेते, लेकिन ये कभी नहीं दिया हुआ है कि किस सन में कितना आयात किया निर्यात किया इस क्वेश्चन में। इसलिए हम नहीं बता सकते हैं रेशियो से कि कितने का निर्यात चाहे आयात हुआ है। ठीक है, तो टाइम क्या हो रहा है, कोई टाइम बताएगा, टाइम क्या हो रहा है? 9:11। एक मिनट, थोड़ा सा एक बात बता रहा हूं, सुन लीजिए आप लोग। आप लोगों को ग्राफ में अगर कोई दिक्कत होगा तो आप लोग फिर बोलिएगा, कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं फिर पढ़ा दूंगा। लेकिन हमें, हमारा ये विचार है कि कल जो है आप लोगों को इसका जो है जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, ग्राफ तो हो गया आपका, 20 क्वेश्चन इसमें से आने वाले हैं। जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आने वाला है, जैसे डेसिमल, भिन्न, औसत, नंबर सिस्टम, परसेंटेज, उसमें से कल एक चैप्टर को कंप्लीट उसको पढ़ाएंगे और केवल क्वेश्चन पढ़ाएंगे, क्योंकि आप लोग तो पढ़े हुए हैं कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, कैसे क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन मैं लेकर आऊंगा, हर क्वेश्चन को लिखूंगा और सॉल्व करना आप लोगों को सिखाएंगे। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। कल जो है आप लोगों को दूसरा चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा, अपनी मन से मैं कोई चैप्टर लाऊंगा पीईटी जो सिलेबस है उसका, और क्वेश्चन मैं आप लोगों को ऐसे ऐसे बताऊंगा जो एग्जाम में आ सकते हैं, न कि पढ़ाएंगे, क्योंकि आप लोगों को पढ़े तो है, ये है नंबर सिस्टम, एवरेज भी पढ़े हैं, थोड़ा सा डिटेल में बता करके क्वेश्चन सॉल्व करना आपको सिखाएंगे। ठीक है, तो क्लास ओवर किया जाए, क्लास ओवर किया जाए, ओके ओके ओके, चलिए क्लास ओवर करते हैं। थैंक यू, थैंक यू।